संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे सदाचार की बारी है, भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे सदाचार की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा दृढ़ संकल्प की बारी है, स्वाभिमान जगा भारत का नवयुग की तैयारी है,
बहुत सुंदर, जोरदार तालियां इन बच्चों के। भारत गरीब देश नहीं है, लेकिन भारतीय गरीब हैं। भारत का क्षेत्रफल पता है कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। और भारत के अंदर संपत्ति सोना चांदी लोहा कोयला कभी भी बेचो पैसे लगेंगे ना, तो कितना है ये? 20,000 लाख करोड़। कितना? 20,000 लाख करोड़। इतना पैसा भारत में, इतनी संपत्ति, इतना बड़ा देश, और इसको लूट लिया बेईमानों ने। सबसे बड़े लुटेरे कौन है बोलो? अंग्रेज तो पहले लूट के लेके गए, और अभी भारत में सबसे बड़े लुटेरे कौन है? सबसे बड़े लुटेरे अच्छे नेता नहीं बोलो, भ्रष्ट नेता। कौन? भ्रष्ट नेता। देश को लूटना चाहिए नहीं। अच्छा, मैं यहां क्या करने आया हूं? एक काम तो योग सिखाना, दूसरा काम भ्रष्टाचार मिटाना, तीसरा काम जोर से तो बोलो काला धन वापस लाना। आपको किसने बताया तीन काम करने हैं सबको? तो सबको क्या करना है? एक तो योग करना है, दूसरा क्या काम बताया अभी आपने? भ्रष्टाचार को मिटाना है, और तीसरा काम जोर से तो बोलो काला धन वापस लाना है। हाँ? क्या बात है। और ये कितना है ये काला धन? 400 लाख करोड़। कितना? 400 लाख करोड़। जिस दिन ये काला धन आएगा, फिर हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं, कोई अनपढ़ कोई युवक बेरोजगार नहीं, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। अब हम चौथे नंबर पर हैं, और काला धन आ जाएगा तो हम नंबर, आप भी चाहते हैं ना हमारा देश बने नंबर, और हम भी बनेंगे लाइफ में नंबर। बस अच्छा, तो तीन बातें हमें गलत सिखाई गई, उल्टा उल्टा बताया गया। भारत एक गरीब देश है। दूसरा एक बात और सुनो, अमेरिका दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन डॉलर सबसे ऊंचा। ये भी गड़बड़ी कर रखी है। एक और गड़बड़ है, भारत में वस्तुएं हैं सस्ती, लेकिन बाजार में है महंगाई। बाजार में क्या है? भारत सरकार 30 रुपए पेट्रोल खरीदती है, और हमको कितने में देती है? 70 रुपए में। अच्छा, पाकिस्तान में बिकता है 38 रुपए। पाकिस्तान में पेट्रोल किस रेट से बिकता है? 38 रुपए। ये पूरी दुनिया की मैंने रेट शीट मंगा रखी है। हमारे मौलाना साहब देखो अपने देश में कैसे लूट होती है। हाँ, हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती सोहबान दानिश साहब हमारे बीच में, एक बार जोरदार, उनका ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामिक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के, एक बार जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मौलाना साहब का। और जो है पहले वो लेक्चरर भी रहे, और अब लोगों को आध्यात्मिक शिक्षाएं, धार्मिक शिक्षाएं देके उनके जीवन को पवित्र बना रहे हैं। ये मैंने आपको रेट लिस्ट दी है, ये बाबा की बनाई हुई नहीं है। अच्छा बताओ, पाकिस्तान अपने से गरीब है कि अमीर? अपने से गरीब देश है, और कितना छोटा सा है। भारत एक बड़ा भाई है तो छोटा सा भाई है, उसके पास तो जमीन थोड़ी सी है, और भारत इतना बड़ा, और पाकिस्तान छोटा सा, और वहां पेट्रोल किस रेट से बिकता? 38 रुपए। वहां पेट्रोल क्या रेट से बिकता है? 38 रुपए। और अपने यहां पेट्रोल बिकता है 70 से 74। और ये तेल कौन बेचती है? सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने एक 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 वो बना रखा है इंडियन ऑयल, और क्या है वो दूसरा, हिंदुस्तान ऑयल। ये गवर्नमेंट के ही है, भारत सरकार के ही उपक्रम है। ये किसके हैं? भारत। इसका मतलब भारत सरकार इस महंगाई के लिए क्या है बोलो? जिम्मेदार। देखो 30 रुपए में पेट्रोल खरीदा, 5 रुपए साफ सफाई के लगे, तो अपने को भी तो ये 37-38 रुपए में दे सकते हैं ना। और चीन में बिकता है 37 रुपए पेट्रोल। कितना? इसका मतलब भारत में महंगाई है नहीं, पैदा की गई। भारत देश गरीब है नहीं, उसको गरीब किया गया। और अमेरिका अमीर है नहीं, उसको अमीर बना दिया गया। ये तीन बातें याद करके जाना, अपने को अब दुनिया का नंबर वन कंट्री बनाना है भारत को। चलो, ये तो बीच में आपको वेल्थ एजुकेशन दिया, अब
वापस हेल्थ एजुकेशन। सुबह उठ करके सबको पीना है पानी, सबको पीना है सुबह उठ करके क्या बोलो, पानी। जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनका कभी पेट खराब उनके आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा और उनको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत जरूरी है। सुबह उठ करके क्या पीना हर रोज, पानी। खाने के फिर एक घंटे बाद पानी पीना, खाने के कितनी देर बाद, बहुत गर्मी हो तो आधा घंटे बाद भी पी सकते हैं। और बड़े आदमी को 3 लीटर, छोटे को कम से कम 2 लीटर, सर्दी में गर्मी में 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। दूध के साथ नमक नहीं खाना चाहिए, खाना चबा चबा करके खाना चाहिए। और कभी नाराज, जो नाराज होते हैं गुस्सा करते हैं उनको बहुत बीमारी हो जाती है और उनके उनकी उनका दिमाग कमजोर पड़ जाता है और जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। चलो अब 3 बातें बता रहे हैं, जरा याद रखना जिंदगी में हमेशा। एक बात पहले, एक बात फिर 3 बात फिर 5 बात बताएंगे। एक बात, भगवान ने सबको प्रथम होने का सामर्थ्य शक्ति, भगवान ने सबको प्रथम होने की शक्ति। एक बात, तो आप किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में, किसी भी कौम में, गांव में, शहर में, कहीं पर भी पैदा हुए, आप भी दुनिया के नंबर 1 आदमी हैं और हो सकते हैं। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गाँव में पैदा हुआ, सेकेंड हैंड बुक लेकर के पढ़ता था, लेकिन क्लास में आता था फर्स्ट नंबर 1। क्या करके, पढ़ाई करके। मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ। और आज कितने लोग मुझे प्यार करते हैं, सब, लाखों नहीं करोड़ों लोग प्यार करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए फिर फार्मूला क्या है, सब मेरे साथ बोलेंगे, बड़ी सोच। आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला सूत्र बड़ी सोच, दूसरा कड़ी मेहनत, कड़ी पक्का इरादा। अब मैं आपकी बुद्धि की भी परीक्षा लेता हूं। सबसे पहला सूत्र आगे बढ़ने का बड़ी सोच, ठीक बोला। दूसरा कड़ी, बड़ा तेज दिमाग है सबका। तीसरा पक्का, बड़ी कड़ी पक्का, ये 3 चीजें होंगी तो आप जिंदगी में बनेंगे नंबर 1। नेक्स्ट, अगली बात, आपको बहुत महान बनना है ना, अब इसको थोड़ा गंभीरता से समझो। कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस ऑनेस्टली हार्ड। इसमें एक चीज और जोड़ दी, निरंतरता। काम में क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। पढ़ाई में कंटिन्यूटी, एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी। हाँ, हम क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं फिर 2 दिन गया, भूल गए, सो गए। एक दिन एक्सरसाइज की फिर 2 दिन, 2 दिन गोली मार दी। कंटिन्यूअस निरंतर कठोर परिश्रम, आगे बढ़ने का सबसे पहला सूत्र, निरंतर कठोर। माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद, उनकी दुआएं। हाँ, सुबह उठकर के माता पिता को प्रणाम करते हो, माता पिता ना होते तो धरती पर हमारा जन्म नहीं होता, और गुरु नहीं होता तो ज्ञान नहीं मिलता, और ज्ञान नहीं मिलता तो इंसान पशु समान होता, ठीक है। दूसरी बात बताई, बड़ा बनने के लिए माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद। तीसरा, भगवान की, खुदा, अल्लाह, अलग अलग भाषाओं में देखो। अरबी में भगवान का क्या नाम है, खुदा। अरबी में क्या कहते हैं भगवान को, खुदा, ठीक है ना। और अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह क्या बोलते हैं भगवान को, अल्लाह। फिर संस्कृत में क्या बोलते हैं, ईश्वर। और अंग्रेजी में, इसका मतलब भगवान है। जैसे पानी को क्या बोलते हैं, पानी। और संस्कृत में क्या बोलते हैं, जलम। और संस्कृत में, और दूसरा आप क्या बोलते हैं, और आप ये उसमें भी बोलते हैं, किसमें, उर्दू में या फारसी में, फारसी में, ठीक है। और इसको, जल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वाटर। तो वाटर बोलने से पानी अलग हो जाता है, इसका मतलब नाम अलग होने से भगवान अलग। चलिए, एक तो बात बता दी आपको भगवान के बारे में, तो इसका मतलब भगवान की कृपा, भगवान का अनुग्रह, भगवान का आशीर्वाद। हाँ, ये बड़ा बनने में बड़ी मदद करता है। अच्छा, चौथी बात, सही निर्णय, सही निर्णय, राइट डिसीजन। क्या बोला, राइट डिसीजन।
आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपको निर्णय करना है, बीड़ी पीना है कि नहीं पीना, दारू पीना है कि नहीं पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना है कि नहीं पीना, झूठ बोलनी है कि सच, झूठ बोलनी है कि सच, हिंसा करनी है कि अहिंसा, ईमानदारी से जीना है कि बेईमानी से, यही तो योग है। गंदा रहना है कि साफ सुथरा, योगी होना है कि रोगी, योगी, ठीक है। अच्छा सुनो, तो सही निर्णय करना है, गलत रास्ते पर जिंदगी में। और अंतिम बात याद रहेंगी सारी पांचों बातें, ठीक है। अंतिम बात, बड़ों का सम्मान, बड़ों का सम्मान। बड़ों को सम्मान दोगे तो आपको भी जिंदगी में क्या मिलेगा? सम्मान। और बड़ों का अपमान करोगे तो आपको भी जिंदगी में क्या मिलेगा? तुम्हें अपमान चाहिए कि सम्मान? तो माता पिता का क्या करना है, बड़ों का क्या करना है, सबका क्या करना है? सबका रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, सबके लिए रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये बातें बताइए आपको, अभी आपको कुछ और बात बताऊं, इससे पहले हमारे मौलाना साहब भी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा हमारे मौलाना साहब जो बहुत ही विद्वान हैं और हमारे बीच में आए हैं, एक बार मौलाना साहब का एक बार सबके ओर से फिर से जोरदार अभिनंदन। और मैं चाहूंगा एक बार सबको अपने आशीर्वाद दें, वो भी बच्चों को, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, गांव वाले भी हैं, शहर वाले भी हैं, सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करेंगे। दानिश साहब को हम आमंत्रित करते हैं, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अश्वमा शुगमहदेव दत्तम जगत्पति असिना सदुधम नमस्तय अशु गुराणविता। अस्माल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता, इल्लल्ले वरुणे राजा पुनर्दुदा, हया मित्रो इल्लाम इल्लल्ले मित्रस्ते जस्कामः। होतार्मिन्द्रो महासुरिन्द्रः, अल्लो जयेष्ठम परमं ब्रह्मणम अल्लाम, अल्लो जयेष्ठम परमं ब्रह्मणम अल्लाम, अल्लो रसूल महामद रकाबरसे अल्लो अल्लामहा। शहरे इटावा की उस तारीखी ज़मीन पर बैठे, यानी के नुमाइश ग्राउंड में तमाम हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई भाइयों और बहनों, साल में एक मर्तबा दो मर्तबा इस ग्राउंड में मेले के बहाने तमाम लोगों का आना जाना होता है और गंगा जमनी तहजीब को देखने का मौका मिलता है। आज इटावा शहर के तमाम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के उस मारूफ उस मशहूर योगी बाबा, जिनको लोग बाबा रामदेव साहब के नाम से जानते हैं, हम अपने वतन, हम अपने जन्मभूमि शहर इटावा में देखते हुए परमेश्वर से इस बात की प्रार्थना करते हैं कि या तु युयम भुवम देवा स्वान शहवतरणु रता, कि आज बाबा रामदेव को हमने अपने सामने देखने का ये खूबसूरत मौका पाया है। परमेश्वर हमें हमारी ज़िंदगी में, माओं के बीच में, भाइयों के बीच में, बच्चों के बीच में दोबारा से मौका दे कि हम एक इस शक्ति को दोबारा से देखने पाए, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस नाम से मशहूर थे कि आप लोगों को योग सिखाते हैं। योग हर धर्म के अंदर मौजूद है, योग सामवेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर और ऋग्वेद के अंदर, भागवत गीता के अंदर, मनुस्मृति के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर, श्री शिव महापुराण के अंदर, हर जगह पर आपको मिलेगा। कुरान के अंदर भी आपको योग मिलेगा और फिर इसके बाद में प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के लोगों को जो पांच मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है,
है उसके अंदर भी आपको योग मिलेगा, सुबह उठने का योग मिलेगा, फजर की नमाज के अंदर अलग योग मिलेगा, जुहर की नमाज के अंदर अलग योग मिलेगा। योग कोई नई शिक्षा नहीं है, ये एक ऐसी शिक्षा है जिसको छुपा दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने भारत की जमीन के ऊपर एक ऐसे पूत को पैदा किया है जिसको दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है। इन्होंने ऐसा योग दिया, पूरे भारत को दिया, पूरी दुनिया को दिया, विदेशों के अंदर जाकर दिया। मैं कुछ साल पहले भारत से बाहर एक यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर था, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता था। मुझे उस मौके पर पता चला कि आज बाबा रामदेव का इस कंट्री के एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट है, वो इस कंट्री के अंदर नहीं आ पाएंगे। मैं उसी कंट्री के अंदर था, दिल के अंदर बहुत तमन्ना पैदा हुई कि किसी तरीके से उनसे भात मिला लूं, किसी तरीके से उनसे मुसाफा कर लूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज परमेश्वर ने मेरी उस सोच को साबित कर दिया और हमें और बाबा रामदेव को एक मंच के ऊपर बिठा दिया। मैं इस मौके पर तमाम की तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, बाबा रामदेव जिंदाबाद, बाबा रामदेव जिंदाबाद। और फिर इसके बाद दुनिया जानती है कि ये एक योग सिखाने के अच्छे मास्टर हैं, और बड़ों को अलग, बच्चों को अलग, और सारे के सारे लोगों को अलग अलग तरीके बताते हैं। और आज हम इस बात को देखते हैं कि बाबा रामदेव जी जिस मुद्दे को लेकर खड़े हैं कि 400 लाख करोड़ भारत का धन जो विदेशों के अंदर छुपा कर रखा गया है उसको भारत के अंदर लेकर आया जाए, ताकि भारत हमारा जो चौथे नंबर पर है, ये भारत पहले नंबर पर आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आवाज के अंदर हम सारे के सारे लोगों को जुड़ना होगा, हिंदू को भी जुड़ना होगा, मुसलमानों को भी जुड़ना होगा, और इस भारत को नंबर एक पर लाना होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं बाबा रामदेव जी का कि उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं सुनने के लिए आया था, मेरे पास दावत पहुंची थी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और कहना चाहूंगा कि चतुर्भी भिरार तिरर भिर देवा करिक्षिया में कलिक्षियम। परमेश्वर आपको आगे की तरफ बढ़ाए, आपकी उम्र को लंबा करे, और परमेश्वर सारी भारत के ऊपर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के ऊपर हमारे बड़े भाई बाबा रामदेव जी की साये को देर तक कायम रखे, और लोगों को आप सिखाते रहे, लोगों को बताते रहे, करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे, और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे, और डाकुओं के खिलाफ और चोरों के खिलाफ अपनी आवाजों को बुलंद करते रहे। बाबा रामदेव, मैं दुआ करूंगा हर शहर के अंदर पैदा हो और पूरे भारत में अच्छाई दिखे और बुराइयों का नष्ट हो जाए और हमारा भारत अच्छा हो जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा, क्योंकि मैं तो इटावा का हूं, और जब आप चाहेंगे मैंने सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, चारों के चारों वेदों को पढ़ा है, और इन वेदों से मैंने अच्छी चीजों को निकाला भी है। मैं सच्चाई को आम करने वाला, बुराइयों को खत्म करने वाला, अच्छे इंसान की कदर करने वाला एक छोटा सा परमेश्वर का बंदा हूं। मैं बाबा रामदेव की कदर करता हूं और आपके इटावा आने पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि परमेश्वर ने मुझे बाबा रामदेव साहब के साथ में आपके हुक्म पर मुझे यहां पर कुछ कहने का आप तमाम लोगों को ये अवसर दिया। धन्यवाद। एक बार खड़े होकर के हमारे मौलाना मुफ्ती साहब का जोरदार सबकी ओर से फिर से बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के इस प्रोग्राम के कमेटी की तरफ से मुझे जो ये प्रोग्राम और मुझे जो दावत दी गई है, मैं हरिशंकर पटेल जी और उनके तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इतना अच्छा और बेहतर काम करके दिखाया और इटावा के अंदर ये पहला इतिहास है। चलिए मेरे साथ एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। तो आज हमने अभी तक अपने ब्राह्मणों के पीछे चतुर्वेदी लगा देखा था, हमारे मुफ्ती साहब के पीछे भी आज हम लगाएंगे। हमारे मुफ्ती साहब वो मौलाना है, वो मुफ्ती हैं, वो एक बहुत ऊंचे विद्वान तो हैं ही, आज हम उनको कहेंगे वो विद्वान होने के साथ साथ, वो मुसलमान होने के साथ साथ चतुर्वेदी जी भी है। चतुर्वेदों को जो जाने वो चतुर्वेदी जी, चारों वेदों का जो ज्ञानी हो उसको चतुर्वेदी कहा जाता है। हमारे यहाँ वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, तो हमारे जो है मौलाना साहब चतुर्वेदी जी भी है। इसके लिए एक बार इनकी फिर से अभिनंदन।
चार वेद इन्होंने पढ़े हैं। शायद बहुत से हमारे हिंदू भाई होंगे जिन्होंने कुरान शरीफ को देखा नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। तो भाई बहनों आज बहुत खुश नसीब नजारा था और कब वक्त गुजर गया कुछ पता ही नहीं लगा। जो है सब बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आओ बच्चों नीचे से, और इन बच्चों को च्यवनप्राश भेंट दीजिए। लाओ सबको, बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें। लो बेटा च्यवनप्राश खाना, बोनवीटा नहीं खाना, हॉर्लिक्स मत खाना, कॉम्प्लोन मत खाना। क्यों? क्योंकि वो विदेशी सामान है, विदेशी हेल्थ टॉनिक नहीं खाना, ये स्वदेशी हेल्थ टॉनिक है। च्यवनप्राश खाओ, सेहत बनाओ। जाओ बेटा, और योग करना। जो योग नहीं करेंगे तो उनको फिर च्यवनप्राश से ताकत नहीं मिलेगी। योग करोगे ना? हाँ। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां तो बजाइए। और एक गिफ्ट हमारे मौलाना साहब के लिए, और तालियों के साथ एक बार बोलो कौन सा भजन गाना है। मेरा रंग दे बसंती, तालियों के साथ तालियां बजाएंगे। एक्यूप्रेशर हो जाएगा, या आंख का, या कान का, हार्ट का, डायबिटीज का, किडनी का, थायराइड का, और या स्ट्रेस का, सारे पॉइंट है। जोर से ताली बजाने से सब रोग मिट जाते हैं। हंसो, ताली बजाओ, झूमते हुए आनंद से, मस्ती से। रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला। शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी बिक गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती, हमारे जीवन का संकल्प। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के। चलो हाथ उठा करके गाओ। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, ओ दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, रंग दे बसंती चोला वे, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चो, रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। नौ व 10 नवंबर तरन तारण पंजाब, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर श्री गुरु अर्जुन देव कॉलेज जीएडीसी मैदान
तरन तारण 10 नवंबर दोपहर 1 बजे तहसील जनसभा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी। और वर्तमान में भारत किन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है और आप कैसा भारत देखना चाहते हैं और भारत में कौन कौन सी बड़ी समस्याएं और उनका क्या समाधान आप देख सकते हैं, आप अपनी बात कह भी सकते हैं और आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 1 से 2 मिनट का वक्त एक व्यक्ति के लिए दिया जाएगा। पूरे विश्व में चौथे दर्जे पर जरूर खड़ा है लेकिन आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा है कि 1% लोगों के पास में उतनी संपत्ति है जितनी 99% लोगों के पास में नहीं है। तो एक, हमें भारत को नंबर 1 बनाना और दूसरा जो आर्थिक विषमताएं उनको मिटा करके इस देश को आर्थिक और सामाजिक न्याय दिलाना। तो राइट साइड से बच्चों से प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी पूछ सकेंगे और दाहिने ओर से शुरुआत कर। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, मेरा प्रश्न ये है, मेरा नाम आमिर है। आमिर भाई, हाँ जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? बीकॉम फाइनल ईयर इस वर्ष करा है कंप्लीट। अच्छा, तो बाबा जी मेरा प्रश्न ये है कि आप जिस तरह से आयुर्वेद में डॉक्टर तैयार कर रहे हैं उसी तरह से आप आर्थिक विशेषज्ञ क्यों नहीं तैयार करते और इंजीनियर वगैरह इनके लिए यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं संचालन? बेटा अपने यहाँ आपकी जानकारी के लिए हैदर भाई बता रहा हूँ, अपने यहाँ पतंजलि यूनिवर्सिटी भी चल रही है और अपने यहाँ BMS डॉक्टर भी तैयार हो रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक नई शिक्षा पद्धति, जो हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी असूलों के साथ, मूल्यों और आदर्शों के साथ, उसको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया इतिहास बनाएंगे। तो विश्वविद्यालय अपना ऑलरेडी चल रहा है, आयुर्वेदिक कॉलेज भी अपना चल रहा है और इस दिशा में आगे भी मैनेजमेंट से लेकर के इंजीनियरिंग से लेकर के जो भी हो सकता है हम सब करेंगे। और खास बात यह है कि विदाउट एनी डोनेशन अपने वो सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी चल रहे हैं। और बोलो बेटा। बाबा जी नमस्कार। नमस्ते बेटा। मैं बाबा जी ये पूछना चाहता हूँ कि अपने देश में जो प्रधानमंत्री है हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये एक भ्रष्ट है क्या अच्छा है? आप तो एक बहुत ही अच्छे बाबा हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहते हैं? मुझे अच्छा बाबा ही रहने दो, ये सच बात है कि यदि देश का मुखिया अच्छा हो तो देश बर्बाद। अच्छा बताओ, घर में बर्बादी होती तो जिम्मेदार कौन होता है? घर का मुखिया। और देश बर्बाद हो रहा है, जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री। तो अब बच्चे प्रश्न पूछने लगे हैं प्रधानमंत्री के बारे में भी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री भी जरूर जागेंगे। चलिए अगला प्रश्न भैया। बाबा जी प्रणाम। हमारे यूनिवर्सिटी का नाम चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और आप कृषि में और एक कृषक परिवार से ही जन्म लिए हैं तो आपको सत सत नमन हमारे ओर से। और बाबा जी हम चाहते हैं कि आप जो अर्थ क्रांति से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बतलाते हैं, उसको और ज्यादा व्यापक रूप से फैलाएं ताकि देश के युवा जागे। हर हमेशा आपसे तहे दिल से जुड़े रहेंगे, जुड़े हैं और आपके साथ हमारा देश आगे जरूर बढ़ेगा। क्या नाम बेटा आपका? सुधानंद जी। सुधानंद भाई ने कहा बेटा योग बोल रहा है बाबा जी, योग शास्त्र के साथ आप अर्थशास्त्र हमें और ज्यादा पढ़ाइए। इस देश में जो हमारा अर्थशास्त्र का जो ज्ञान है, इकोनॉमिक्स का जो हमारा नॉलेज है वो बहुत शून्य स्तर पर है। हमें पता ही नहीं कि अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है, हमें पता ही नहीं कि आज अमेरिका से कोई $2 लेके आता है तो भारत में उसको कितने मिलते हैं करेंसी एक्सचेंज करने पर? 100। और यहां से कोई 100 रुपए लेके जाए तो अमेरिका में हो जाते हैं वो 2। ये क्यों हो रहा है? किसी को पता ही नहीं IMF क्या घोटाला कर रहा है, किसी को पता ही नहीं IMF किस तरह से दुनिया के साथ में एक आर्थिक पक्षपात कर रहा है, पता ही नहीं UNO किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर युद्धों की राजनीति कर रहा है, पता ही नहीं कि WTO कैसे देश को, दुनिया को लूट रहा है, पता ही नहीं कि किस तरह से WHO के नाम पर पूरी दुनिया में एक बीमारियों के नाम पर खूब पैदा करके दुनिया को लूटा जा रहा है। तो ये बड़ी चीजें हैं और चाहे वो स्वदेशी अर्थव्यवस्था की बात हो, आज मैंने आप सबको बताया कि भारत विश्व की कितनी कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की PPP मोड पर GDP कितनी है? 202 लाख करोड़। और जापान की 215 है, 200
15 है, और चीन की 503 लाख 500, और अमेरिका की 732 लाख। अब ये 400 लाख करोड़ पे यदि हमारी इकोनॉमी में आ जाता है ब्लैक मनी, इसको हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में हम इसको यूज करते हैं, तो भारत की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी बढ़ करके, मल्टीप्लाई होकर के 1000 लाख करोड़, कितनी बोलो, 1000 लाख करोड़। और भारत बनेगा दुनिया का नंबर वन कंट्री। ये भारत को नंबर वन बनाना और फिर इसमें से आर्थिक विषमता को मिटा करके ये आगे बढ़ाना है। तो ये आर्थिक नीतियों के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो सबका होना चाहिए। बेटियां कुछ कहना चाहती है, बोलो बेटा। बाबा जी आपको सारा प्रणाम। बेटा, बाबा जी लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें उस क्षेत्र के लोग ये कैसे पहचानेंगे कि ईमानदार व्यक्ति कौन है? बेटी पूछ रही है, क्या नाम बेटा? रूपम साक्य। रूपम, कि बाबा इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है, कोई आदमी उसमें खड़ा हो जाता है उसका पता कैसे लगेगा? किसी भी आदमी का एक भूतकाल होता है, एक उसका वर्तमान काल होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड, तो पता लग जाता है उसके बारे में अखबारों के माध्यम से, आस पड़ोस के बड़े लोगों के माध्यम से उसके बारे में चर्चाएं आम होती हैं। कोई भी जो जाहिर तौर पर बदनाम व्यक्ति होता है, बदमाश व्यक्ति होता है, वो छुपाए नहीं छुपता है, तो पहचान तो हो जाती है। उसके बाद हमें हिम्मत के साथ गलत काम का विरोध और सच का समर्थन करने के लिए आगे आना पड़ता है। तो अगले, सुन लो ये सबके लिए एक संदेश है बड़ा, अगले विधानसभा और लोकसभा में जो काला धन नहीं लाना चाहते, भ्रष्टाचार नहीं मिटाना चाहते और आर्थिक नीतियों से लेकर के व्यवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहते, ऐसा एक भी भ्रष्ट बेईमान विधानसभा और लोकसभाओं में नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे लोगों को हम वोट देते हैं तो देश के साथ धोखा होगा, देश के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ विश्वासघात होगा। इसलिए एक प्रबल संकल्प सबके भीतर होना चाहिए कि आप भ्रष्ट और बेईमान विधानसभाओं और संसदों में नहीं पहुंचेंगे। ये दूसरी बेटी कुछ कहना चाहती है, बोले बेटा। बाबा जी को मेरा प्रणाम। बाबा जी ईमानदार व्यक्ति पैसे से कम होता है, ईमानदार व्यक्ति के पास पैसा कम होता है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहे तो वो कैसे लड़ेगा? ईमानदार व्यक्ति को पैसा खर्ची ना करना पड़े, ऐसा हौसला पैदा करो कि भाई ये आदमी ईमानदार है, अपने को इसको वोट करना है। नोट में अपना वोट नहीं बेचना, नोट में अपना वोट, दारू में अपना वोट, और वोट के दिन अपने घर में बैठ करके पिक्चर नहीं देखनी है। तो वोट के दिन घर से बाहर निकले, वोट का दिन वो भारत माता की किस्मत का फैसला करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। तो ऐसे जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको आप लोग ताकत देने के लिए आगे आइए, थोड़ा घरों से बाहर निकलिए। मैं एक साधु फकीर होकर के जब घर से बाहर निकला हूं तो आप लोग भी निकलेंगे तो देश जरूर जगेगा, और देश जगेगा तो देश जरूर बचेगा। दैनी ओर से कुछ बच्चे पूछना चाहते हैं, बोलो बेटा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, क्या नाम है आपका? गौरवी मिश्रा। भ्रष्टाचार ये कैसे मिटेगा बाबा? छोटे बच्चे, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो बेटा? क्लास फिफ्थ में ही पढ़ रही है। बोले बाबा भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? सच में एक सपना जैसा लगता है, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार मिटेगा? क्या काला धन आएगा? क्या हिंदुस्तान वास्तव में दुनिया का नंबर वन कंट्री बनेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बनेगा? तो सुनो, तीन चीजें करनी पड़ेंगी। आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, क्या करना पड़ेगा? आर्थिक नीतियों में नोट में खोट है, बोलो, नोट में जितने बड़े काम है वो किससे होते हैं? बड़े नोट से। किससे होते हैं? बड़े। यदि 500 1000 रुपए के नोट बंद कर दो, 100 के भी बंद करो, तो 10 20 50 का नोट हो, 1 लाख रुपए भी रिश्वत लेना पड़ेगा तो क्या भर जाएगी? बोलो, बोरी भर जाएगी। कोई लेगा ऑफिस में 1 लाख रुपए? और ले भी लेगा तो छिपाना मुश्किल। इसलिए बड़े नोट बंद करो। दूसरा, सारे टैक्स खत्म करो। ज्यादा टैक्स होने से ही ये गैस डीजल पेट्रोल इसीलिए महंगा, उसके ऊपर जितना 48 से 50 52% टैक्स है उसके ऊपर, तो टैक्स ये एक चेंज करना पड़ेगा इस चीज को। तो बड़ी करेंसी बंद होने से 99% आर्थिक भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। दूसरा, करप्शन के खिलाफ कठोर कानून व्यवस्था, और जो कानून बने हुए उनको दृढ़ इच्छा शक्ति से लागू करना, और उसके बाद इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, तो काला धन लाना, तो इसके लिए ईमानदारी चाहिए। आदमी करने पर आ जाए तो सब कुछ कर सकता है। इधर से एक भाई कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
स्वामी, जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्र हित में कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये राजनीतिक लोग जो है उसकी लेग पुलिंग करने लगते हैं और उसके बाद जनता को भी ये बरगला देते हैं। क्या राजनीति इतनी गंदी है जो ये बरगलाने लगते हैं और कहने लगते हैं ये राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इस तरह की बात करने लगते हैं। राजनीति इतनी गंदी है तो फिर ये राजनेता वहां क्या कर रहे हैं? बेटा कह रहा है बाबा कोई भी देश हित की बात करे तो बोले राजनीति कर रहे हैं। बोले राजनीति इतनी ही गंदी है तो खुद क्यों करते हैं उसको? इन प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और जितने भी नेता, इनको सबको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए है? तो हम अपने संन्यास धर्म को, अपने योग धर्म, राष्ट्र धर्म को निभाते हुए यदि राजनीतिक बदलाव की बात करते हैं तो इतने क्यों तिल मिलाते हैं? दरअसल जो भ्रष्ट और बेईमान गद्दार हैं उनको ये तकलीफ होती है, जो राजनीति में सच्चे और अच्छे लोग हैं उनको उनको राजनीति के ऊपर टिप्पणी करने से कोई आपत्ति नहीं होती है। मैं इसलिए खाली बताने के लिए आपके बीच बैठा हूँ कि अब यह आंदोलन चलेगा, भ्रष्टाचार भी मिटेगा, काला धन भी आएगा और भारत की दरिद्रता दूर होगी और भारत फिर से विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। एक ये बीच का दौर था, हर एक आंदोलन में ये दौर आते हैं, उस आंदोलन के दौर से हम गुजर चुके हैं, अब आगे बढ़ेंगे। एक भैया कुछ कहना चाहता है। बाबा जी को प्रणाम। बाबा जी ये जानना चाहता हूँ, हमें व्यक्ति के चरित्र को देख के वोट देना चाहिए कि पार्टी के चरित्र को देख के? दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में जो निर्णय होते हैं वो नेतृत्व के स्तर पर होते हैं। फिर से सुनना इस बात को। क्या नाम है भैया आपका? हैं? मुकुल यादव। मुकुल यादव ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है, प्रत्याशी के चरित्र को देख करके वोट दें या पार्टी को के चरित्र को देख करके? आप क्या कहेंगे? के चरित्र को। फिर वो पार्टी में तो निर्णय तो चार पांच ही लोग करते हैं फिर वो वहां बैठ करके ताली बजा सकता है, ज्यादा से ज्यादा वहां बैठ करके ये कह सकता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन निर्णय नहीं कर सकता। पार्टी में निर्णय कौन करता है? नेतृत्व। पार्टी में निर्णय कौन करता है? इसलिए पार्टी का नेतृत्व का ठीक होना बहुत जरूरी है और उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी पार्टी का नेतृत्व, सेकेंड पार्टी के नेतृत्व यदि ठीक होगा तो गलत लोगों को प्रत्याशी भी नहीं खड़ा करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों पर आश्रित भी है, प्रत्याशी भी अच्छा होना चाहिए लेकिन उससे पहले पार्टी का नेतृत्व उससे भी अच्छा होना चाहिए। यदि केवल अकेला पार्टी का प्रत्याशी अच्छा है और नेतृत्व अच्छा नहीं है तो हिंदुस्तान को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए दोनों की पवित्रता की ही जरूरत है। बोलो बेटा। बाबा जी आप चरणों में कोट कोट प्रणाम। क्या नाम बेटा? मेरा नाम शैलेश शुक्ला है, मैं यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज इटावा से हूँ। जी बेटा शैलेश। मेरा बाबा जी ये क्वेश्चन है कि जो हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव रिजर्वेशन आरक्षण दे गए थे वो आखिर कब खत्म किया जाएगा? जो कि आज एक जनरल कास्ट के लिए अभिशाप बन गया है, उसको आखिर कब खत्म किया जाएगा? रिजर्वेशन है ये, आज पॉलिटिक्स का मुद्दा बन गया, हर पार्टी इसके लिए कह रही 10% चाहिए इनको, अल्पसंख्यक के लिए चाहिए, आखिर ये कब खत्म किया जाएगा? इसमें पीस तो हमारा जनरल कास्ट रहा है ना, जैसी मंत्री आज वहां कुर्सी बैठा हुआ अमीर है जबकि गरीब आज यहाँ पीस रहा। देखो बात इस भाई की भी वाजिब है, ये पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए या जातियों के आधार पर। और सच बात तो यह है कि जातियों के आधार पर भी जो आरक्षण मिल रहा है उसमें भी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मात्र 1-2% या 5% ही मिल रहा है, 95-99% उसमें भी जो ताकतवर लोग हैं उन जातियों के अंदर वही उसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये जो आरक्षण वाला मुद्दा है ये बहुत पेचीदा होता जा रहा है, तो इसका बड़ा समाधान यही है कि अपने देश में इतने एजुकेशन सेंटर बना दो कि हमें पढ़ाई में आरक्षण की जरूरत ना पड़े, इतनी नौकरियां पैदा कर दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दो, सर्विसेज में अपने वर्ल्ड लेवल के अपने सर्विस सेंटर्स हम बना दें। तो इसका समाधान तब तक नहीं होगा पूरा जब तक कि अपना काला धन नहीं मिले। काला धन वापस आ जाएगा तो एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, सर्विसेज में और क्या नाम है इंडस्ट्री में, सब जगह इतने नौकरियाँ हो जाएंगी कि काम करने वाले कम पड़ जाएंगे और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इतने हो जाएंगे कि दुनिया के लोग जैसे पहले आकर के नालंदा तक्षशिला में पढ़ते थे ऐसे पढ़ने लग जाएंगे। तो जब तक ये काम नहीं होता है तब तक बहुत मुश्किल है। ये जो आरक्षण की प्रक्रिया चली है इसमें कुछ भी आप चेंज करेंगे तो पूरे देश का माहौल खराब हो जाता है, क्योंकि आरक्षण से जो लाभ पाने वाले वो इससे विचलित हो जाते हैं।
तो अब तो एक नई व्यवस्था देश में बनानी पड़ेगी, तब तक आप खाली सोच सोच के अफसोस व्यक्त कर सकते हैं। इधर से कुछ बेटी पूछना चाहती है। बाबा जी आपको मेरा कोटी कोटी प्रणाम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आरक्षण देश के हित में है क्या? क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम गौरी सिंह कुशवाहा, मैं बीएससी बायोटेक की छात्रा हूँ। बीएससी में पढ़ रही है बेटी। भले बाबा ये आरक्षण का ये बड़ा प्रश्न बच्चों के सामने बार बार आ रहा है, इसके बारे में मैं अभी स्पष्टीकरण भी दे चुका हूँ। बाबा जी मुझे ऐसा लगता है कि इससे बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा होती है। बेटा वो सब आप लोग खुद देख रहे हो, और अब तो एक और काम कर दिया है, शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप की ओर नई दस्तक। अब बच्चों को मार्किंग ना कर, मार्क सिस्टम खत्म करके अब क्या कर दिया गया है? मैं आपसे पूछता हूं, ग्रेडिंग सिस्टम अच्छा है या मार्क वाला? मार्क सिस्टम। तो फिर ये कर क्यों दिया है? ये कर इसलिए दिया गया है कि भारत के बच्चे आगे बढ़े ही नहीं। मार्किंग सिस्टम होता था तो बच्चा मेहनत करता था। अब पूरे हिंदुस्तान में मैंने कम से कम इस बात को 100 जगह पूछा है, सब बच्चे कहते हैं मार्किंग सिस्टम होना चाहिए, ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे राजनेता कर रहे हैं, क्यों? कोई उत्तर नहीं इनके पास। ये करने से भारत की शिक्षा का स्तर और ज्यादा गिर जाएगा। एक और गलत बात हो रही है कि बच्चे अब फेल होंगे ही नहीं, पहले ही पढ़ने में ध्यान कम देते हैं। मैं आपसे पूछा हूं, ये फेल होने वाला सिस्टम रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। फिर ये क्यों हटा दिया गया? बोले बच्चे पढ़े ही नहीं, दारू पीते रहे, सिगरेट पीते रहे, पिक्चर देखते रहे, मैं ठीक रहेगा हिंदुस्तान? ऐसा गलत काम हो रहा है। और अब एक और पाप कर दिया, कोई भी थीसिस लिखोगे तो उसको हिंदी में लिखने के साथ आपको अंग्रेजी में लिखना अनिवार्य कर दिया। ये क्या मतलब? जापान के लोग किस में पढ़ते हैं बोलो? और इटली के लोग? इटालियन में। फ्रांस के लोग? फ्रेंच में। जर्मनी के लोग? सब दुनिया के देश किस में पढ़ते हैं? अपनी मातृभाषा में। और हमारे यहां किस में पढ़ते हैं? ये क्या चक्कर है? अंग्रेज चले गए 64 साल पहले, ये अंग्रेजी यहां छोड़ गए? तो बोलो अपनी भाषा में हमें पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। फिर बस कह सकते हो कुछ नहीं रहा है, सब ऊपर वाले बैठे भी पाप कर रहे हैं। इधर से एक भैया कुछ कहना चाहते हैं। परम पूजनीय स्वामी जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भैया। मेरा प्रश्न ये है कि WTO की जो संधि है जो भारत ने कर रखी है 1986 में उर्गवे सम्मेलन के बाद, इसमें व्यापक बदलाव किए गए और 1991 से 94 के बीच में मात्र 11 घंटे बहस हुई इस पे संसद में, और 15 दिसंबर 1994 को भारत ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए और 1 जनवरी 2005 को इसे लागू कर दिया गया, जिसमें अनुच्छेद 3 और 4 में घरेलू सब्सिडियों को खत्म करने की बात कही गई है कृषि के क्षेत्र में। जी जी। पेटेंट एक्ट की भी बात की गई है बदलने की 1970 के। अब हमारे जो देश की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी के युवराज हैं वो झांसी में छापेमारी कर रहे हैं DAP किसानों को मिले, जिसका भाव 911 रुपए कर दिया गया है। तो स्वामी जी इसे हम क्या कहें कि 2005 में पहले तो फंसा दिया देश को WTO की संधि में, अब वो ये चीज दिखाते हैं मीडिया में कि हम किसानों के बड़े हितैषी हैं और सबको अधिकार उनके वापस दिलाना चाहते हैं, तो इसे हम देश के साथ एक क्रूर मजाक कहें उन किसानों के साथ जहां प्रति घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, या ऐसे लोगों को जिन्होंने समझौते में फंसाया उनको ट्रेटर कहें? सब देश के लोगों के सामने इन नेताओं का जो घटिया चरित्र है वो उजगार हो ही रहा है। किसानों के लिए तो अब एक नई नीति बनानी पड़ेगी हमें, और हमने जो संधियां कर ली उससे हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपने एग्रीकल्चर ग्रोथ को, अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, अपनी सर्विसेज को इतना आगे ले जाना पड़ेगा कि हम इन वैश्विक बाजार का हम अपने हितों में प्रयोग कर सके। और किसानों के लिए तो मैं विशुद्ध रूप से मानता हूँ कि एक किसान यदि अपने खेत में 1 लाख रुपए की पैदावार करता है तो उसको कम से कम 2 लाख रुपए ऊपर से मिलना चाहिए, 1 से 2 लाख रुपए। उससे क्या होगा, वो किसान कभी आत्महत्या नहीं करेगा, नहीं तो किसान का कोई बचाव का रास्ता नहीं है, किसान के पास कोई माध्यम ही नहीं है कि वो खड़ा रह सके आत्महत्या करने के सिवा। इसलिए
चाहे वो उसको हम बोलें कि किसान की उपज का मूल्य ज्यादा बढ़ा दो तो महंगाई बढ़ जाएगी, ना बढ़ाओ तो किसान मरेगा, मूल्य बढ़ा दो तो गरीब मरेंगे। तो इसलिए किसानों के लिए तो हमें राष्ट्रीय किसान आय आयोग का एक गठन करना पड़ेगा और एक नए सिरे से कृषि में लागत को घटाना पड़ेगा और उसकी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा किसान नहीं बच सकता। यूरिया और डीएपी आदि हमने अपने आंखों के सामने देखा 500 रुपए का बिका करता था, जो आज अब 250 300 रुपए और 800 900 रुपए का बिकने लग गया है। तो ये इस चक्कर में तो किसान बर्बाद हो ही रहा है। बाबा जी को प्रणाम। प्रणाम बेटा। बाबा जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि भ्रष्टाचारी तो हर व्यक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति रिश्वत लेता है किसी ना किसी रूप में। हर व्यक्ति नहीं लेता बेटा, किसान कहाँ रिश्वत लेता है बताओ? नहीं, किसान नहीं, जो मजदूर कहाँ से रिश्वत लेता है, जॉब करते हैं। ये कहो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, हाँ, जो जिनके हाथ में सत्ता है, हाँ, वो अधिकार कहीं ना कहीं रिश्वत लेते हैं किसी ना किसी रूप में। तो मैं ये चाहती हूँ जब तक वो व्यक्ति अपने आप में सही नहीं बनेगा तब तक एक भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार का मुक्त इंडिया नहीं हो सकता है। तो बहन ने जो बात कही उसको मैंने प्रारंभ में रखा कि हमारे देश के लोगों का नैतिक आचरण इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनके सामने चाहे कितने ही प्रलोभन आए, प्रलोभनों के सामने उनको झुकना नहीं चाहिए। पवित्र भारतीय संस्कृत के संरक्षक, राष्ट्रोन्नायक, राष्ट्र के युग पुरुष एवं विश्व में योग के प्रचारक बाबा रामदेव के चरणों में मेरा सत्सत नमन। प्रणाम बेटा। क्या नाम बेटा आपका? बाबा जी मेरा नाम विवेक मिश्रा है, मैं कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक का थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। बाबा जी मेरे आपसे तीन प्रश्न है। मेरा पहला क्वेश्चन है, आप कहते हैं हमारे स्विस बैंकों में 400 लाख करोड़ काला धन जमा है, जबकि हमारा स्विस बैंक से हमारा समझौता भी हो चुका है, वो हमें लिस्ट देने को तैयार है, फिर हमें हमारी सरकार उसे जारी क्यों नहीं करना चाहती? और इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, अगर वो 400 लाख करोड़ धन हमारे देश में आता है तो उसका हम माइनस कैसे करेंगे? और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाबा जी आप कहते हैं योगी राजनीति में नहीं आ सकता, उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृत एवं वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि महर्षि जनक जो बहुत बड़े मुनि होते हुए भी राजा थे, उन्होंने कहा था कि जब राजतंत्र में बुराइयां आ जाएं तो योगियों को राज संभालना चाहिए, उससे निष्कलंकता आएगी। बाबा जी मेरा तीसरा प्रश्न है, कहा जाता है कि हमारे भारतीय लोग बहुत योग्य हैं, यहाँ आपको बता देना चाहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट कंपनी नासा है जिसके 25% इंजीनियर भारतीय हैं और अमेरिका के 15% डॉक्टर भारतीय, इतने योग्य भारतीय आखिर दो देश छोड़ के पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका मुख्य कारण आरक्षण और सरकार की उनके प्रति उदासीनता, इसलिए देश की प्रतिभा बाहर को पलायित हो रही, उसे रोकने के लिए हमारी सरकार हमारी योगी क्या कर रहे हैं? इसने थोड़ी देर में इतने प्रश्न दाग दिए। बेटा पहले जो पैसा था वो स्विस बैंकों में था, वहां से अब शिफ्ट हो गया, अभी अमेरिकन बैंकों में चला गया है। पहले टैक्स हेवन स्विट्जरलैंड और दूसरे छोटे छोटे आइलैंड होते थे, अब सबसे बड़ा टैक्स हेवन, ये बताना पूरी दुनिया को, सबसे बड़ा टैक्स हेवन इस समय है यूके यूएसए। ये मेरे पास में पेपर है, 25 MPs के सिग्नेचर है इसके ऊपर, 10.6 ट्रिलियन डॉलर, 500 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका में। ऐसे ही भाई मैं इतनी इस बात को कह रहा हूं, एक भी 64 वर्षों में एक भी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके किसी का नाम नहीं उसके